गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे इज़ योर एसएसटी पेपर। थ्रू दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द क्वेश्चन पेपर, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन पेपर। यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस एंड डोंट फॉरगेट टू पुट सीरियल नंबर ऑफ ऑल क्वेश्चंस। आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और सभी क्वेश्चंस के सीरियल नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर क्या करने हैं, पुट करने हैं। और सारे क्वेश्चन पेपर आपको सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर वन है, आपको टोटल क्वेश्चन 1 to 7 क्वेश्चन नंबर 7 तक दिए हैं, आपको ये सारे सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है टिक दी करेक्ट आंसर। अब इसमें आपको क्या है, ये जो टिक दी करेक्ट आंसर है ये क्या है, 2 मार्क्स का है। इसमें जो ईच क्वेश्चन है वो क्या है, 0.5 मार्क्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन है द रिसोर्सेज हुज क्वान्टिटीज आर नोन नेम एज, यानी कि वो रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी हमें नोन होती है, हम उन रिसोर्सेज को क्या कहते हैं। तो आपको यू हैव गिवन 3 ऑप्शंस, यू हैव टू राइट एनी वन करेक्ट आंसर इन योर आंसर शीट। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज टेक्नोलॉजी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, टेक्नोलॉजी एग्जाम्पल है किसका, नेचुरल रिसोर्सेज का, बायोटिक रिसोर्सेज का या ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का। थर्ड वन है इफ़ अ 13-year-old चाइल्ड इज वर्किंग इन अ टी स्टॉल, वट इज़ इट कॉल्ड। एक 13 ईयर का चाइल्ड एक टी स्टॉल में काम कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे, चाइल्ड लेबर कहेंगे या फ्रीडम टू वर्क कहेंगे या फिर बोथ ए एंड बी। फोर्थ क्वेश्चन इज सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इज रेफर टू एज, यानी कि जो स्टेट का जो सेपरेशन है रिलीजन से उसे हम क्या कहेंगे, मोनार्ची, रिपब्लिक या सेक्युलरिज्म। तो इनमें से एक आंसर करेक्ट है। आपको जो करेक्ट आंसर है वो अपनी आंसर शीट में लिखना है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक। सेम ऐसे जैसे कि हमारे टिक द करेक्ट है, क्वेश्चन 4 है आपको गिवन, ये टोटल 2 मार्क्स का है लेकिन ईच क्वेश्चन इसमें क्या है, 0.5 मार्क्स का है। तो सेंसिस ऑपरेशन वर हेल्ड एवरी डैश ईयर, आपको बताने की जो सेंसिस ऑपरेशन होते हैं वो हर कितने साल में होते हैं। सेकेंड है रॉबर्ट क्लाइव कमिटेड सुसाइड इन द ईयर, जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था किस ईयर में, वो आपको बताना है। थर्ड वन इज़ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी वो किसने इम्प्लीमेंट किया था, ये आपको बताना है। फोर्थ वन इज़ रानी मना वॉज द रूलर ऑफ, आपको बताने की जो रानी चंदमना थी वो कहाँ की रूलर थी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, ट्रू और फॉल्स। आपको जो स्टेटमेंट गिवन है इन स्टेटमेंट में बताने कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या कौन सी फॉल्स है। फर्स्ट वन द ब्रिटिश थॉट सर्वेज वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, जो ब्रिटिशर्स है वो ये सोचते थे कि सर्वे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए सर्वेज क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स ये आपको बताना है। सेकंड वन इज़ जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 4 पीरियड्स, जो जेम्स मिल थे उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 4 पीरियड्स में क्या किया था, डिवाइड किया था, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। थर्ड वन इज़ गवर्नमेंट स्कूल कैन प्रमोट एनी वन रिलीजन, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो क्या है, किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स ये आपको बताना है। फोर्थ वन इज़ बुद्धिस्ट इन इंडिया आर काउंटेड एज मेजॉरिटी, जो बुद्धिस्ट हैं वो इंडिया में उन्हें काउंट किया जाता है एज मेजॉरिटी, या कि वो मेजॉरिटी में हैं, कौन, बुद्धिस्ट इंडिया में, तो ये ट्रू है या फॉल्स ये आपको बताना है। नाउ फोर्थ वन इज़ डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, आपको डिफ्रेंशिएट बताना है यूबिक्यूटस रिसोर्सेज में और लोकलाइज रिसोर्सेज में, ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। आफ्टर दैट नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आपको 4 क्वेश्चन गिवन है, ईच क्वेश्चन इज़ 2 मार्क्स, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स का है, आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट है वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ, यानी कि अर्थ के ऊपर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो अनइक्वली क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। नाउ क्वेश्चन 2 इज राइट एनी 2 रीज़न फॉर लैंड डिग्रेडेशन, आपको लैंड डिग्रेडेशन के पीछे 2 रीज़न्स को लिखना है। थर्ड वन इज विच आर द 2 मेन क्लाइमेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोइल फॉर्मेशन, सोइल फॉर्मेशन के लिए 2 क्लाइमेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो कौन से 2 क्लाइमेटिक फैक्टर हैं जो सोइल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ फोर्थ वन इज़ व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन से आप क्या समझते हो। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन।
यू हैव गिवन 3 क्वेश्चंस बट यू हैव टू अटैम्प ओनली 2 क्वेश्चंस, ठीक है? आपको 3 क्वेश्चंस ये हैं लेकिन अटैम्प आपको 2 ही क्वेश्चंस करने हैं. ईच क्वेश्चन इज 3 मार्क्स. ईच क्वेश्चन क्या है? 3 मार्क्स का है. फर्स्ट वन इज व्हाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स क्यों प्रिजर्व करते थे. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सेक्युलर स्टेट, आपको एक सेक्युलर स्टेट के 3 ऑब्जेक्टिव्स क्या करने हैं बताने हैं. थर्ड वन इज़ व्हाई इज़ लैंड कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज, आपको बताना है कि जो लैंड है उसको एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज क्यों कंसिडर किया जाता है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ एनी वन वेल लेबल्ड डायग्राम, आपको एक किस इन दोनों में से सॉइल प्रोफाइल और क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में से कोई एक क्या बनाना है, वेल लेबल्ड डायग्राम. आप जो क्या है 3 मार्क्स का है लेकिन आपको 2 डायग्राम्स नहीं बनाने हैं, एक मैंने लिखा है ड्रॉ एनी वन, तो आपको इन दोनों में से सोइल प्रोफाइल में से और क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में से एक डायग्राम आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है. सो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन पेपर. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क मी.